मी टू कैंपेन ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है और आए दिन महिलाओं के खिलाफ अपराध में कई बड़े नाम जुड़ रहे हैं, जिसके बाद बॉलीवुड की महिला फिल्मकारों की तरफ से एक कड़ा फैसला लेने की खबर आई है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की महिला फिल्मकार यौन शोषण की शिकार महिलाओं के साथ आ गई हैं और आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। ग्यारह मशहूर महिला फिल्मकारों ने सोशल मीडिया पर अपना एक फैसला शेयर किया, जिसमें बताया गया कि वो ऐसे किसी भी इंसान के साथ काम नहीं करेंगी जिन पर यौन उत्पीड़न के मामले साबित हुए हैं। पोस्ट में इंडस्ट्री के बाकी साथियों से भी ऐसा ही करने की गुजारिश की गई है। जिन 11 महिला फिल्मकारों ने ये पोस्ट शेयर किया है, उनमें मेघना गुलजार, जोया अख्तर, नंदिता दास और किरण राव जैसे नाम शामिल हैं। और अब वक्त लाइट और हेल्दी सैलेड का। हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी के खिलाफ लखनऊ के पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। सपना पर तय वक्त पर कॉन्सर्ट में न आने का आरोप लगा है। लखनऊ के आशियाना में आयोजित डालिया नाइट्स विद सपना चौधरी में लोगों ने सपना के न पहुंचने पर हंगामा किया था। जिंदगी न मिलेगी दोबारा और दिल धड़कने दो जैसी शानदार फिल्में देने वाले डायरेक्टर जोया अख्तर ने अपना 46वां जन्मदिन मनाया। जोया ने जन्मदिन से पहले देर रात पार्टी की, जिसमें शाहरुख खान और गौरी खान के अलावा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी बड़ी हस्तियां पहुंची।